हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौधरी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जो BSTC का एग्ज़ाम, आप जैसे कि आप सभी को पता है BSTC का जो एग्ज़ाम है 26 मई को हुआ था, तो इसके जब काफ़ी अभ्यर्थी जो काफ़ी स्टूडेंट हैं इसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य संस्कृत परीक्षा 2019 BSTC के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं जो BSTC इसका रिजल्ट कब जारी कर दिया जाएगा। अगली बार जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, बीकानेर निदेशालय ने इसकी परीक्षा ली है, इसकी BSTC की, इसका नाम चेंज करके PDLET परीक्षा कर दिया गया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों जैसे कि आपको बता देते हैं, राजस्थान BSTC रिजल्ट 2019 जाने कब रिजल्ट या परिणाम जारी हो, पूरी जानकारी आपको हम डिटेल से बताएंगे। जैसे कि आप नव भारत टाइम का एक आर्टिकल देख सकते हैं, ये 10 जून का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम डेट दे रखा ही है, तो आपको बता दें इसका रिजल्ट जो कब तक जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों राजस्थान BST 2019 डेट, राजस्थान BSTC का रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका रिजल्ट है जो इस महीने के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। इस रिजल्ट को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो PDLET की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जानकारी अवगत होते रहेंगे। दोस्तों राजस्थान BSTC 2019, राजस्थान BSTC रिजल्ट 2019 की घोषणा को लेकर कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो अंतिम सप्ताह में, जो आपका अंतिम सप्ताह चल रहा है जून का, उसके में घोषित किया जा सकता है। इसके परिणाम को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट BST2019.org पर जाकर आप इस रिजल्ट देख पाएंगे। दोस्तों राजस्थान BST 2019 रिजल्ट घोषित होने के बाद आवेदकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, इसमें उन्होंने संस्था आवंटन किया जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए मेरिट मुताबिक आयोजन की जाएगी, परिणाम देखने के लिए आवेदकों को रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बिना रिजल्ट नहीं देखा जा सकता है, कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25-26 जून को इसका रिजल्ट है जो घोषित कर दिया जाएगा। हालाँकि इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि दोस्तों इसको लेकर अभी से रिजल्ट की कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है। अभी से बता दें कि इस परीक्षा का जो आयोजन 26 मई 2019 को किया गया था, अब इस परीक्षा को PDLET के एग्ज़ाम कहा जाता है। परीक्षा का परिणाम आयु 2 बजे शाम 5 बजे तक का रहा, जो परीक्षा आपकी 2 से 5 बजे तक रही किया गया था। इस परीक्षा के पास करने के बाद आवेदकों को राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं के DLED कोर्स में एडमिशन का मौका मिल जाएगा, और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2019 शुरू हुई थी और जो 20 अप्रैल तक चली। तो दोस्तों आपके लिए पूरी अपडेट लेके आए हम, इसमें जो BSTC के रिकॉर्डिंग है वो आपके लिए पूरी जानकारी दी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।